मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मौलाना साहब क्यों ये समझते हैं कि ये ऑपरेशन अजम इस्तेहकाम नहीं बल्कि अदम इस्तेहकाम लेके आएगा। ऑपरेशन अजम अदम इस्तेहकाम, ये अजम किया गया है कि मुल्क में अदम इस्तेहकाम बरकरार रहे, भले वो फौजी सतह पे रहे जहाँ पे आप जो है ना डायरेक्ट ऑपरेशन करें फौजी, या फिर आप सियासी सतह पे करें जहाँ पे आप सियासी जो है ना रोल ले लें और अपनी मर्जी के जो है ना वो नतायज लाएं। ये इस मुल्क की बदकिस्मती है। ये सिर्फ दावर साहब ने कहा 40 साल से, मैं समझता हूँ कि 75 साल से ये हमारे नसीब में लिखा है कि हमारे यहाँ जो है इसी तरह से मामलात को चलाया जाएगा। देखिए दस्तूर के मुताबिक जो फौज की असल जगह है वो उनकी बैरिक्स होती हैं, मगर उन बैरिक से बाहर आके, उस बैरिक से बाहर जो है अगर आना हो तो फिर वजह पैदा करनी होती है, तो फिर वजह या तो मौजूद होती है या पैदा की जाती है। यहाँ पे हमारे मुल्क में कोई ऐसी रीज़न नहीं है कि वो वजह मौजूद थी, बल्कि वो वजह पैदा की जाती है सियासी फ्रंट पे भी और बाकी फ्रंट पे भी। ये कहते हैं कि ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं, मैं कहता हूँ कि ऑपरेशन ऑलरेडी लॉन्च हुआ हुआ है और आप जो है ना उसको गैर रस्मी तौर पे आप उसी तरह से वो मारधाड़ जो है वो चल रही है।